बच्चों, विद्यापति की पदावली में जो संग्रहित पद हैं हम उन्हें पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हम दूसरे पद पर चर्चा करेंगे। दूसरे पद में क्या कहा जा रहा है? विद्यापति मानो जो राधा हैं उनके भावों को अपनी लेखनी से व्यक्त कर रहे हैं। राधा क्या सोचती हैं जब कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं? तो ऐसी स्थिति में राधा कृष्ण के वियोग में किस तरह की अभिव्यक्ति कर रही हैं, बात कर रही हैं अपनी सखी से, उन सभी का वर्णन यहाँ विद्यापति अपनी पदावली के माध्यम से करते हैं। वियोग श्रृंगार की अद्भुत रचना, गीतात्मक पद हैं, मैथिली भाषा है, सरल सहज हम कहेंगे भाषा, कोमल वर्णों का प्रयोग है और कह सकते हैं इसमें मुक्तक छंद भी है और प्रसाद गुण हम कहेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो रस है वह करुण भी है और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पद को। सखी है, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि तुमने प्रेम किया है तो प्रेम के क्या अनुभव हैं, क्या तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब किस तरह की अनुभूति होती है प्रेम में, या किस तरह के तुम्हारे अनुभव रहे उस प्रेम को करके, कृष्ण से जो तुम्हारा प्रेम रहा तो उसमें किस तरह के अनुभवों को तुमने देखा, वह उनसे पूछती है। अब राधा असमंजस में पड़ जाती हैं कि वो क्या बताएं, क्या बताएं कि उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्हें किस तरह की अनुभूति हुई है। उसी का वर्णन करते हुए राधा कहती हैं, सखी हे कि पूछसी अनुभव मोए, क्या पूछती हो तुम मेरे अनुभव, सेह प्रीति अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन हुई, मैं अपने प्रीति अपने अनुराग अपने प्रेम अपने प्यार का क्या बखान करूं, क्या वर्णन करूं, ये तो हर पल तिल तिल मतलब हर पल 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 वह नया हो जाता है, नए नए अनुभव मुझे कराता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृप्ति भेल, सब कहते हैं मेरा और कृष्ण का जन्म जन्म का साथ है, मैं जन्म जन्मांतर से उनकी हूँ और उनके रूप को देख रही हूँ। जन्म अवधि मतलब जन्मों से मैं उनके रूप को निहार रही हूँ, तब भी क्या हुआ है, नयन न तृप्ति भेल, नैनों को तृप्ति नहीं मिली है, मतलब मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाए उनकी सुंदर अनुपम सौंदर्य को देखकर, तभी नैनों को ये आस रहती है कि कृष्ण को एक बार फिर देख लें। से हो मधुर बोल स्रवही सुनल श्रुति पथ परस न गेल, मैंने उनके मधुर बोलों को सुनती रह रही हूँ, कितनी ही बार उनके सुंदर वर्ण मेरे कानों में पड़ते हैं, सुंदर स्वर मेरे कानों में पड़ते हैं, लेकिन श्रुति पथ अर्थात कानों को आराम नहीं है, कानों को किसी तरह की तृप्ति नहीं हुई है, उनका कान अभी भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है। कत मधुर जामिनी रसब गमा ओली ना बूझल कैसन केली, ना जाने कितनी ही मधुर जामिनी मतलब यामिनी, यामिनी अर्थात रात, कितनी ही मधुर रातें मैंने गमाओली मतलब उनके साथ बिता दी हैं, उनके साथ ना जाने कितनी रात मेरी उनके साथ बीती हैं, उसके बाद भी ये एक अबूझ पहेली है कि मैं उन्हें तब भी मैं उन्हें जब मिलती हूँ या जब वह मुझे प्राप्त होते हैं तभी एक बेचैनी सी रहती है, एक व्याकुलता सी रहती है, मैं कृष्ण को हमेशा अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मैं कहती हैं मधुर यामिनी, जो मधुर रातों की जो हमारी केली थी, क्रीड़ा थी या
कहते हैं ना रास लीला रही हैं, वो सुंदर लीलाओं में भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है। लाख लाख जुग हिय हिय राखल तो उल हिय जरनी न गेल। लाखों लाखों युग का साथ है हमारा, एक वर्ष का या एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने लाखों वर्षों से युगों युगों तक हम दोनों साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय की जर्नी, मतलब ये जो विरह की जो पीड़ा है वह नहीं सही जाती, वो जलन नहीं जा पा रही। कत विदग्ध जन अस अनुमोदय अनुभव काहू न पे। मतलब ये जो विदग्ध जो ये वियोग का जो अनुभव है ये बताया नहीं जा सकता, मैं इसे बताने में पूर्णता असमर्थ हूँ। विद्यापति के प्राण जुआड़ जुड़ाइते लाखे न मिलल एक। विद्यापति कहते हैं कि जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक मेरे प्राणों को संतोष नहीं होगा, मैं उन्हें हर बार हर रूप में देखना चाहती हूँ, हर रूप में उनसे हर जन में उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बच्चे, इसके अगला पद हम कल करेंगे।